अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अलिसी। बात करें, हमारा पीएचपी का टॉपिक है वो है पीएचपी स्ट्रिंग, जिसमें देखेंगे कि पीएचपी में हम स्ट्रिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, लाइक पीएचपी सपोर्ट स्ट्रिंग ऑपरेशन। तो इसके लिए हमारे पास स्ट्रिंग जो है डबल कोट्स में, हम उसको जो है उसकी वैल्यू जो है किसी भी वेरिएबल में, अगर हम डबल कोट्स में कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग उसको यूज़ करता है। इसी तरह अगर हम सिंगल कोट में यूज़ करेंगे तो वो भी हमारे पास एज अ सिंगल कोट जो स्ट्रिंग है वो ट्रीटेड और मोस्ट लिटरली यूज़ होगी। वेयर एज डबल कोट स्ट्रिंग में जो है उसमें वो जो वेरिएबल्स अगर हम उसको यूज़ करें तो वो रिप्लेस वेरिएबल्स विद देयर वैल्यूज एज वेल एज स्पेशली इंटरप्रेटिंग सर्टन कैरेक्टर सीक्वेंस। अगर हम सिंगल कोट को यूज़ करेंगे तो वो एज इट इज़ ही हमारे पास स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, लेकिन अगर हम डबल कोट स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे तो उसमें जो वेरिएबल अगर उसमें है उस डबल कोट स्ट्रिंग में, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उसको भी प्रिंट करेगा। इसकी जो एग्जांपल है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो मैंने एक जो है वेरिएबल लिया है जिसको मैंने उसमें स्ट्रिंग यूज़ किया है नेम, और एक मैंने लिटरली यूज़ किया है जिसमें माई वेरिएबल विल नॉट प्रिंट। एक लिटरली वेरिएबल लिया और उसमें मैंने सिंगल कोट में स्ट्रिंग दी है माई वेरिएबल विल नॉट प्रिंट, इसमें मैंने ये वाला वेरिएबल कॉल किया है इस वेरिएबल को, वेरिएबल जो हमने बनाया। इसी तरह प्रिंट लिटरली जो है उसको हमने प्रिंट करवा लिया, और इसी वेरिएबल में लिटरली में इसको अगर हम डबल कोट्स में लिखते हैं माई वेरिएबल विल प्रिंट, इसमें भी जो मैंने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया है नेम वाला उसको मैंने यहाँ पर भी कॉल किया और उसको मैंने प्रिंट करवाया। दोनों का डिफरेंस और इसकी आउटपुट चेक करें, अगर हम सिंगल कोड ने जो वेरिएबल की वैल्यू थी उसको रीड नहीं ही किया, और डबल कोड्स में मैंने जो स्ट्रिंग जो थी डिफाइन की थी उसने वेरिएबल की वैल्यू को रीड करके उसको प्रिंट कर दिया। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर को देखें तो कंकैटिनेशन जो है वो टू स्ट्रिंग वेरिएबल्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ की जाती है, और पीएचपी में कंकैटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है कि अगर मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं और अगर उन दोनों को मैं कंबाइन करना चाह रही हूँ तो डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए मैं उनको कंकैटिनेट कर सकती हूँ। इसकी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें मैंने एक स्ट्रिंग वन ली है हेलो वर्ल्ड, और एक स्ट्रिंग टू ली है 1 2 3 4। मैंने इको करवाया है डॉलर जो मेरे पास वेरिएबल एम है स्ट्रिंग वन, कंकैटिनेशन के लिए साइन यूज़ किया है फुल स्टॉप का, और इसमें मैंने एक सिंगल स्पेस दी है, सिंगल कैरेक्टर की स्पेस दी है, जो मेरे पास स्ट्रिंग है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। और फिर मैंने दोबारा कंकैटिनेशन का साइन यूज़ किया है और जो सेकंड वेरिएबल है उसको कंकैटिनेट किया है। तो मेरे पास दो जो मेरे पास वेरिएबल्स थे उसमें मैंने एक और जो थी एक मेरे पास सिंगल जो थी स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग थी उसको कंकैटिनेट करने के लिए मैंने दो कंकैटिनेशन साइंस को यूज़ किया कि इसमें दोनों में स्पेस होंगे जैसा। इसकी आउटपुट चेक करते हैं तो मेरे पास ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं उनको उसने कंकैटिनेट कर दिया, लेकिन अगर मैं इसमें से स्पेस को रिमूव कर दूँ मैं सिंगल जो मेरे पास है कंकैटिनेशन ऑपरेटर उसको यूज़ करूँगी, मेरे पास इसकी जो आउटपुट है वो इस तरह की कि जो हेलो वर्ल्ड के बाद जो स्पेस आती है वो जो है वो रिमूव हो गई है। स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है पीएचपी में टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करने के लिए स्ट्रिंग ln फंक्शन को हम ln फंक्शन को यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रिंग की लेंथ को आइडेंटिफाई करेगी। इसकी जो एग्जांपल है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमारे पास पीएचपी का बिल्ट-इन फंक्शन है, इसकी अगर आउटपुट चेक करें तो ये मेरे पास 12 आ रहा है। 12 कैसे आ रहा है कि मैंने इको करवाया है स्ट्रिंग लेंथ और हेलो वर्ल्ड कि स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो इसको अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 5 ये की वर्ड्स हैं, 5 जो है वर्ल्ड जो है वो 5 की वर्ड्स हैं, 10 और स्पेस एक हमारे पास आ गया 11, और एक हमारे पास साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि 12 करेक्टर्स आ गए।
उसने जितने भी करेक्टर्स हैं उनको काउंट किए तो वो हमारे पास 12 आ गए, तो इसलिए उसने 12 प्रिंट कर दिए। स्ट्रिंग पोजीशन जो है फंक्शन जो है ये यूज़ किया जाता है कि स्ट्रिंग में किसी करेक्टर को फाइंड करने के लिए। उसके लिए हम लोग str pos और इसमें हम उस फंक्शन में हम जो भी वेरिएबल है उसको पास करेंगे ताकि हमें पता चले कि उस वेरिएबल में उसकी पोजीशन क्या है उस वर्ड की। सो इसको एक इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर रिको करवाया है स्ट्रिंग पोजीशन जो फंक्शन है उसको यूज़ किया, और उसमें मैंने पहले स्ट्रिंग पास की है हेलो वर्ल्ड की, देन मैंने कहा है कि आइडेंटिफाई करें कि वर्ड जो है वो किस पोजीशन पर है। तो ये कैरेक्टर वाइज इनको चूज करेगा और बताएगा कि जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो सिक्स पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, कि हेलो 5 करेक्टर्स, देन सिक्स जो है वो वर्ड जो है वो सिक्स पोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। सिक्स पोजीशन के बाद जो है ये स्ट्रिंग जो है वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह हम स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं और इसके जो डिफरेंट फंक्शन हैं उनको हम PHP में यूज़ कर सकते हैं।